एक डाउट ये है कि इस पे सेशन कब से स्टार्ट होगा। तो सेशन स्टार्ट होगा इसका 1 जून से। ये 4 to 5 डेज का गैप रखा है। इसका रीज़न है, मैं तो बस उन लोगों के लिए कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने लिया है, आपका भले पढ़ने का मन नहीं हो मगर अब आपको पढ़ना पड़ेगा। डेली आपको मैसेज आएगा, डेली आपको अनाउंसमेंट मिलेगी ऐप पे, आपसे पूछा जाएगा, पिंच किया जाएगा कि आपकी ये रैंक है, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है, क्यों ऐसी है, इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा, क्यों समझ में नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें आपको पिन की जाएंगी। और जब जब ये सारी चीज़ें आपको पिन की जाएंगी ना, तो आप मजबूर हो जाओगे कि भाई पढ़ूँ यार, मैं ही डफर हूँ क्या। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1 हफ्ते में आपसे इंगेज करूँगा और आप पढ़ने लग जाओगे। ये मेरी आपको गारंटी है। मतलब पढ़ा के मैं छोड़ूंगा आपको, मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो जो भी एक्ट एंड रूल के सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे पेड सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए टेक्निकल में जो जो प्रॉब्लम होगी मैं कोशिश करूँगा मेरे एंड से। डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो उन सभी पेड सब्सक्राइबर को जिन्होंने ऐप पे कोर्स परचेज किया है, तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया या फिर थैंक्स इसलिए क्योंकि वहाँ पे एज सच आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई कंटेंट नहीं है, स्टिल आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है। तो ये दिखाता है ब्लाइंड बिलीवर। तो अगर आपका मेरे ऊपर भरोसा है तो मैं पूरे कमिटमेंट के साथ, ऑनेस्टी के साथ ये कहता हूँ, ये भरोसा आपका टूटने नहीं दिया जाएगा। और जितना आप मुझसे उम्मीद करते हो, मैं उससे कहीं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आप सिलेक्शन ले पाओ, आप अपनी रैंक सिक्योर कर पाओ। भले ही आप लोगों ने एक्ट्स एंड रूल का कोर्स सब्सक्राइब किया है, पर इसी कोर्स में मैं और भी जो चीज़ें, जो डाउट होंगे दूसरे सिलेबस से रिगार्डिंग, चाहे वो टेक्निकल हो या बाकी कोई चीज़ें होंगी, उन चीज़ों में भी आपको पूरी गाइड करने की कोशिश करूँगा। एक और डाउट है आप लोगों का, फिर इसके बाद मैं एक अनाउंसमेंट भी आपको बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप लोग पूछ रहे थे। एक डाउट ये है कि इस पे सेशन कब से स्टार्ट होगा। तो सेशन स्टार्ट होगा इसका 1 जून से। ये 4 to 5 डेज का गैप रखा है। इसका रीज़न है कि जो लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं, इन बिटवीन वो सब्सक्राइब कर लें, फिर बाद में वो डिफरेंसेस ना आए कि कोई नया आया, फिर हम लोग आगे निकल गए हैं, फिर वो पीछे हो गया है, फिर वो एक क्लास जो बनती है ना, उसकी जो यूनिटी होती है कि सब लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, वो ब्रेक ना हो। तो इसके लिए मैंने ये 5 to 6 डेज का गैप रखा हुआ है। और इन बिटवीन चूँकि लाइव सेशन टेली लैपटॉप से भी लोग लेते हैं और मैं भी लूँगा, पर इन बिटवीन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक डिजिटल स्टूडियो बन जाए जिसमें हमारा लाइव सेशन का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इन बिटवीन मैं वो भी ट्राई करूँगा। तो ये सारी चीज़ें प्लान आउट करके, बट इस सब की टेंशन आपको नहीं लेना है। मैं आपका पूरा सिलेबस करवाऊंगा, हर चीज़ जो मैंने कहा है, कमिट किया है कोर्स में, वो सारी चीज़ें मिलेंगी और सफिशियंट अमाउंट में मिलेंगी कि आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा ये कोर्स परचेज करके। तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। अब एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट के साथ साथ ये लोग पूछ भी रहे थे इसीलिए कि जो टेक्निकल का कोर्स है वो कब लॉन्च होने वाला है। तो जो AMBI का टेक्निकल का कोर्स है, इसके बारे में तो एज सच अभी मैं कोई डेट नहीं दे सकता फिक्स डेट, बट मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा क्योंकि उसमें और भी फैकल्टी चाहिए। तो मैं फैकल्टी कांटेक्ट करके फिर कितने लोग रजिस्टर हो सकते हैं उसमें फिजिबिलिटी देख के कि हम सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, कितने का वो कोर्स रहे तो हमारी सस्टेनेबिलिटी हो जाएगी और आपको एक रीज़नेबल प्राइस मिलेगा, ये सारी चीज़ें देख के जल्दी मैं उसको प्लान आउट करूँगा। मुझे करना ही है, बट एक्ट एंड रूल जैसे नहीं कर सकते क्योंकि एक्ट एंड रूल में होल एंड सोल मेरी मुझे पढ़ाना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कम लोग रहें, चाहे ज़्यादा लोग रहें, चाहे 2 लोग रहें, चाहे 4, चाहे 100, चाहे 500, चाहे 1000, जितने भी लोग रहें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर टेक्निकल में ऐसा नहीं है, टेक्निकल में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें हो पाएँ। अगर नहीं हो पाती हैं तो जो भी एक्ट एंड रूल के सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे पेड सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए टेक्निकल में जो जो प्रॉब्लम होगी मैं कोशिश करूँगा मेरे एंड से। दूसरा फैकल्टी नहीं ला सकते क्योंकि उस वो कोर्स सब्सक्राइब, मतलब वो कोर्स लॉन्च नहीं हुआ है। तो मेरे एंड से जो जो चीज़ें आपको इनपुट दिया जा सकता है टेक्निकल में, वो मैं देता रहूँगा क्योंकि मेरे जिम्मे और कोई काम नहीं है, बस यही आपको पढ़ाना पढ़ाना और पढ़ाना है, कोर्स बनाना है, MCQ बनाने हैं, टेस्ट सीरीज बनानी है, सेशंस लेने हैं, यही लेने हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो कोर्स टेक्निकल का लॉन्च नहीं होता है तो जो भी पेड सब्सक्राइबर हैं आपको बाकी चीज़ें मिलती रहें, बाकी चीज़ों में भी मैं आपको हेल्प करता रहूं। तो ये पूरा प्लान है। बाकी जो एक्ट एंड रूल है वो तो 100% उसकी टेंशन तो आप छोड़ दो। मतलब जितना आप सोचोगे मैं उससे कहीं ज़्यादा आपको पढ़ाऊँगा।
और कोर्स परचेज करने का एक बेनिफिट और होता है कि कई बार हम इतना सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं कि खुद से पढ़ पाएं, हमें चीज़ें आता है, हम खुद से पढ़ेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कई सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि पिछली बार कुछ मार्क्स रुक गया था तो लेना चाहिए, कि आप मत लो, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप खुद से कर सकते हो, आपको लगता है कि मैं चीज़ें पढ़ सकता हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं इतना मोटिवेटेड हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी की मदद की, कोई ज़रूरत नहीं है पेड कोर्स लेने की, आप कर सकते हो। पर जो पेड कोर्स होता है उसका ये बेनिफिट होता है कि आपको पढ़ाया तो पढ़ाया जाएगा, पर उसके साथ आपके माइंड में प्रेशर रहता है कि आज ये सेशन लिया गया है, कल टेस्ट सीरीज है, आज ये पढ़ाया गया है, आज ये होमवर्क मिला है, आज ये क्वेश्चन बैंक मिला है करने के लिए, तो आपके माइंड में एक प्रेशर रहता है, एक टारगेट रहता है दिमाग में कि ये चीज़ें हमें करनी है। तो मोटिवेशन हो ना हो, फोर्स हो के, या कोई आपसे बार बार पूछे कि किया कि नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो इन चीज़ों से क्या होता है कि आप करने लग जाते हो, तो ये एक बेनिफिट होता है। तो फिर ये आपका डिसीजन है कि आपको कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। मैं तो बस उन लोगों के लिए कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने लिया है, आपका भले पढ़ने का मन नहीं हो मगर अब आपको पढ़ना पड़ेगा। डेली आपको मैसेज आएगा, डेली आपको अनाउंसमेंट मिलेगी ऐप पे, आपसे पूछा जाएगा, पिंच किया जाएगा कि आपकी ये रैंक है, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है, क्यों ऐसी है, इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा, क्यों समझ में नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें आपको पिन की जाएंगी। और जब ये सारी चीज़ें आपको पिन की जाएंगी ना, तो आप मजबूर हो जाओगे कि भाई पढ़ूँ यार, मैं ही डफर हूँ क्या, केवल मैं ही एक आदमी हूँ जिसे बार बार कहना पड़ता है कि पढ़ो 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 पढ़ो। तो क्या होता है कि एक आदमी जिसका माइंडसेट ऐसा है कि नहीं, उसे नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, या फिर मोटिवेशन इतना नहीं है कि पढ़ पा रहा है, या पढ़ने की कोशिश कर रहा है बट नहीं पढ़ पाता है, सो जाता है, जाने पढ़ने जाता है या कुछ और करने लग जाता है, ऐसे लोगों को सुधारनी हमारी ड्यूटी बन जाएगी जब आप कोर्स परचेज कर लोगे। क्योंकि अल्टीमेटली आपसे ही तो चीज़ें हैं, जब आपसे पैसा लेके और मैंने आपको पढ़ाया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मेरा और आपका दोनों का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। दोनों की गलती हो सकती है या किसी एक की गलती हो सकती है, या तो मैंने अच्छा पढ़ाया नहीं इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या तो आपने पढ़ा नहीं इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, या तो दोनों मिल गए थे, नहीं मैंने अच्छा पढ़ाया नहीं आपने अच्छा पढ़ा। तो ये इन मतलब हमारी और आपकी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको पिन करूं कि आपको पढ़ना है पढ़ना है, और आप अपने तरफ से अपने इंड से कोशिश करो कि हाँ मुझे पढ़ना है, मैं भले मन नहीं लग रहा है मगर मुझे कोशिश करनी है। और बिलीव मी, जितना मैं आपसे कहूँगा आप एक हफ्ते कंटिन्यू करोगे ना, कैसा भी आदमी हो कि उसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक हफ्ते मैं आपसे इंगेज करूँगा और आप पढ़ने लग जाओगे, ये मेरी आपको गारंटी है। मतलब पढ़ा के मैं छोड़ूंगा आपको, मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कोशिशें हमारी स्टार्ट होंगी 1 जून से। इन बिटवीन कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहेगी, वो मैं आपको ऐप पे अनाउंसमेंट देता रहूँगा, और बाकी जो नए कोर्सेज आएंगे अगर आते हैं तो उसकी अनाउंसमेंट भी आपको मिलती रहेगी, उसकी वीडियो भी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और ऐप पे भी मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।